केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयक का चौतरफा विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में प्रदेश में कल कांग्रेस की ओर से कृषि विधेयक को लेकर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। कृषि विधेयक को लेकर कल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसीसी कार्यालय में पीसीए होने वाली है। संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला साथ में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंह देव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू साथ ही में। आपको बता दें कि पहले के लिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रस्तावित थी, लेकिन समय में परिवर्तन किया गया है। कृषि विधेयक को लेकर कल दोपहर 12 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसीसी कार्यालय में पीसी होगी। एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही में, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंह देव भी इस बैठक में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे। और घोषणा पत्र के क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू, सांसद अमर सिंह भी मौजूद रहेंगे। पहले आज प्रस्तावित थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज शाम के लिए समय निर्धारित किया गया था। समय में स्थगन किया गया है, बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। चेंज जो बदलाव है समय है वो कल दोपहर 12 बजे के लिए। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि विधेयक लाया गया, चौतरफा विरोध उसका जारी है, प्रदेश में भी कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हालांकि आज के लिए निर्धारित थी, प्रस्तावित थी, लेकिन अब कुछ चेंजेस के साथ में 12 बजे का समय निर्धारित किया, पूरी अपडेट। बिल्कुल, देखिए जयंती, कृषि अध्यादेश को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी वो स्थगित कर दी गई और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय कल तय हुआ है। पहले ये वीसी के जरिए आज प्रस्तावित थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, उनके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के दो मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री और ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं, और राजस्थान में जो घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के चेयरमैन भी हैं, तो दोनों वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, किसान और व्यापार को लेकर, जिस तरह से कृषि व्यापार को लेकर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, जो कानून बनाए उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो राष्ट्रीय नेता है ये कल पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिस तरह से किसानों के अहित में, किसानों को दबाने के लिए जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और जो बातें कांग्रेस की ओर से, जो तर्क कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है कि ये किसानों के हित में नहीं है, उनको लेकर तमाम बातें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। जयती जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश।